अस्सलाम वालेकुम जी मेरे प्यारे भाइयों, आज हम ज़ियारत करेंगे इंशाल्लाह गारे हिरा की, जिसका हमने सफ़र शुरू कर दिया। थोड़ा सा ऊपर हम आ चुके हैं, आपको दिखा भी देते। ये आपको पीछे गारे हिरा की पहाड़ी नज़र आ रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा भी रहे हैं। थोड़ा सा आपको बता दूं भाई, यहाँ पे आप जब आएंगे तो अक्सर लोग टैक्सी पर आते हैं, टैक्सी वाले आपको नीचे ही उतार देते हैं दूर ही, हालांकि गाड़ियां ऊपर भी काफ़ी रास्ता, काफ़ी तकरीबन तीसरा हिस्सा चौथा हिस्सा जो है ना गाड़ी ऊपर तक आ सकती है, सड़कें भी बनी हुई हैं, उससे आगे सीढ़ियां होती हैं, वो पैदल चढ़नी पड़ती हैं। वो आपको दिखाता हूँ, वो देखें, वो नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ तक गाड़ियाँ आती हैं, तो आप देखें वो कितना नीचे है, यहाँ तक गाड़ियाँ आ जाती हैं, इससे आगे आपको पैदल जाना पड़ता है। तो ये वो देखें, वो ऊपर पहाड़ी गारे हीरा, यहाँ पर हम आ चुके हैं। इंशाल्लाह सफ़र हमने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक जगह बनी हुई है जहाँ पे आप दो नफल अदा कर सकते हैं, यहाँ पे भी, उसके बाद आप ऊपर भी जाएंगे, ऊपर भी नफल अदा करें, कोई टेंशन नहीं। इधर हम थोड़ी देर हमने सांस लिया, चलो पानी शानी पी लेंगे, आपको ज़रा दिखा दें। ये थोड़ा सा सामान भी लेके आए हैं, ये ऊपर बिल्लियों के लिए, पता नहीं अब ये बिल्लियाँ खाती हैं कि नहीं खाती। गर्मी बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हम उस जगह पर जाएंगे जहाँ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इबादत किया करते थे। चले भाई ऊपर जाते हैं, साथ साथ आपको भी दिखाते हैं। ये एक दफ़ा नीचे से देख ले, माशाल्लाह काफ़ी ऊपर हम आ चुके हैं, ये देखो अब इंशाल्लाह इससे ऊपर जाएंगे। ये देखें नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ तक गाड़ियाँ आसानी से आ जाती हैं, अब इससे आगे पैदल जाएंगे इंशाल्लाह ऊपर जाएंगे। ठीक है, इससे आगे जाएंगे भाई ऊपर। कल हम गए थे गारे सौर, उसका रास्ता बहुत जो है ना मुश्किल था, लेकिन आज गारे हीरा का रास्ता जो है ना सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसलिए थोड़ी सी आसानी है उसके मुकाबले में। नीचे कोई बता रहा था कि 2 घंटे लगेंगे भाई ऊपर जाते हुए, तो इसलिए कोशिश करें, अगर गर्मियों में आए हैं तो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते ही आप निकलें, ठंडा ठंडा मौसम है तो फिर बंदा काफ़ी सफ़र तय कर लेते हैं। अगर आप दिन को निकलेंगे फिर धूप भी होगी और सफ़र और दुश्वार हो जाएगा, इसलिए कोशिश करें। ये भाई जल्दी है, इंशाल्लाह साथ साथ कबूतरों को भी थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खिलाएंगे, और जो जो रास्ते में बिल्लियाँ वगैरह आएंगी उनके साथ भी हम कुछ ना कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, बिस्किट वगैरह रखे हुए वो खिलाते जाएंगे इंशाल्लाह। ये गारे हीरा वो जगह जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले इबादत करते थे, आके यहाँ पर तन्हाई में, और ये वही जगह जहाँ पर हमारे प्यारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजल हुई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए और उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की। ये देखें बहुत सारी आवाम ऊपर जा रही है, काफ़ी सारा रास्ता भी हमने तय कर लिया। ये भाई ऊपर माल्टे वगैरह भी आपको मिलने ही मिलेंगे, बेच रहे हैं भाई, ये एक अच्छी बात हो गई। चलो बंदे खाने पीने का अहतमाम अगर कोई नहीं करके आता
तो रास्ते में ये चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, खाते रहेंगे, देख लें, या फ्री नहीं मिलेगी, ये पैसे लगेंगे भाई, बहुत ज़्यादा भी नहीं लगेंगे, कम नहीं। और उसके बाद आपको ये नाग वाली भाई छोटी सी दुकान, ये आपको नाग भी मिल सकते हैं यहाँ से। वो देखें, अभी काफ़ी सफ़र है भाई, बहुत ऊपर जाना है अभी। वाओ, ये भाई आगे आएंगे आपको नींबू पानी भी मिलेगा, नींबू पानी भाई, नींबू पानी, हाँ पहाड़ों की चोटियों पर नींबू पानी चल रहा है। यहाँ से नीचे देखेंगे क्या नज़ारा है, पहाड़ियाँ आपको कैसी नज़र आ रही है। वो सामने मक्का टावर है, लगता नज़दीक ही है भाई, बाहर फिर भी आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगा हमें, बस पर बैठ के भी आए हैं। ये देखे कबूतर और ये मानो बिल्ली, मानो बिल्ली ये बंद नहीं खाएगी, ये बंद नहीं खाएगी, ये सिर्फ चिकन 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 खाएगी ये, मुझे लगता है बंद तो देख नहीं रही। आपको जगह जगह पर नींबू पानी नजर आएगा, नींबू पानी के डब्बे लगे हुए, तो याद रखें ज़्यादा पानी पियेंगे फिर ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, क्योंकि पेट जो भर जाता है, सांस ज़्यादा फूल जाती है। सिर्फ दो कतरे पानी पिए, वो भी गर्म, ठंडा नहीं पिए, ठंडा पिए भी काम खराब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, चैनल है जुल्कर नैन बिलागर, जुल्कर नैन बिलागर, ये कबूतरों के लिए भाई दाना वाना भी मिलेगा, ये कबूतरों का दाना मिलेगा आपको, कनक का दो रहा वो पहुँच रहा। ये नीचे देखें, काफी ऊपर आ गए, ये दाना लेके जाएं, क्या बात है। यहाँ से अब फिर ऊपर को रवाना होंगे, ये गारे सोर्स कई गुना आसानी से चढ़ा जा सकता है, वो तो बहुत मुश्किल थी भाई, बड़ी मुश्किल से ऊपर गया था मैं, टांगें भी जवाब दे गई, लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ ठीक है, क्योंकि सीढ़ियाँ और ये पकड़ने के लिए भी ये लगे हुए हैं, आप इसको पकड़ के भी ऊपर जा सकते हैं भाई। ये देखें भाई कितनी साफ सफाई रखी हुई है सीढ़ियों पे भी, माशाल्लाह, ये और आसानियाँ आ गई हैं। हाँ सुभान अल्लाह, ये देखे पूरा सऊदी अरब का शहर, ये सारा मक्का शहर है, उधर अभी मैं नहीं गया, उधर नहीं गया, पता आप गए ना रज़ाबाद अभी? नहीं देखा था, देखा देखे जब हम मीना से बात कर रहे थे। चलो पहले हमें भी पता नहीं था, अभी जो पाँच चार दिन रह गए ना हमें पता चला, तो अब हमने घूमने शुरू किया, पहले तो ठीक है। चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक दिन हमारा रह गया कल का, परसों चले जाएंगे शाम को, कोशिश यही है कि ये एक दो दिन में जो देख सकें वो देख लें इंशाल्लाह। बिल्कुल, तब तो ऐसा भी कहाँ होता है वो कब, तब तो रास्ता बहुत मुश्किल रफ हुआ, ये तो अब बनाई
आगे आएंगे आपको फिर यहाँ पे लाल पत्थर तस्वीर वगैरह मिलेंगी, थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो ये देखें भाई काफी ऊपर आ गए हैं। ये पीछे आपको वो नीचे नजर आ रही है लेंगे सीनों पे सीन, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है यार, मांगने वाला काम नहीं किया करो यार, पानी ले ले भाई पानी, ये लो बिस्किट, खाने पीने का सामान साथ लेके आए हैं, अल्लाह का शुक्र है रास्ते में इंशाल्लाह स्वाद कमा रहे हैं। ये वैसे मांगने वाले यार अच्छा काम नहीं है मांगना, कुछ मेहनत किया करो भाई, मांगने वाले तो पहले बहुत भरे हैं पाकिस्तान में भी, माशाल्लाह ऊपर जा रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। देखा आपने पसीना कितना आ रहा है। ये हमारे साथ कश्मीर के भाई हैं, नाम क्या है आपका? मुख्तियार भाई, बहुत अच्छे बंदे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद माशाल्लाह। ये आगे आके एक और दुकान आ गई है भाई तस्बीह मुसल्लम की, माशाल्लाह इतने ऊपर ऊपर छाए हुए हैं लोग, चश्मे वगैरह भी लगे हुए, ये भाई आगे कबूतर भी आ गए हैं। शिकंजवी की सरीर, सरीर तो नहीं कह सकते भाई, पैसा दे देना पड़ेगा। और ये कबूतर मुझे लगता है बिल्कुल पास आ गए, देखिए माशाल्लाह इधर से आपको रोड दिखाते हैं, ये मक्का शहर, वाह ये बस चढ़ी गए, थोड़ा सा ये दो मिनट का रास्ता रहेगा इंशाल्लाह तो जाएंगे, दुआ करेंगे आप लोग भी आइएगा और इंशाल्लाह हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हम भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए दुआ करेंगे, पूरी पूरी उम्मत मुसलमान के लिए। देखें रास्ता बनाया हुआ है लोगों ने, इनको कुछ ना कुछ दे दें, सुबह आ गया भाई ऊपर आ गए, यहाँ पे एक छोटा सा बाजार बना हुआ है, ये देखें खाने पीने के लिए चीजें, शिकंजी पानी वगैरह गला सेब, यहाँ पे नमाज वगैरह पड़े, ये देखें भाई ऊपर से कैसा नज़ारा नजर आ रहा है, सुभान अल्लाह वो पहाड़ियाँ देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखें भाई यहाँ पे नवाफल अदा कर सकते हैं आप, बहुत ज्यादा रश है, जाना मुश्किल हुआ है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे भाई जाएंगे, यहाँ पे नवाफल अदा करते हैं, एक तरफ से चढ़ के दूसरी तरफ से नीचे उतरने, और वो देखें वो देखें भाई वो गा रहे ही रहे, सुभान अल्लाह वो गा रहा
देखिए नीचे जाएंगे इधर से। नीचे उधर तो स्पीड से ही जाएंगे भाई। सुभान अल्लाह। वो देखिए कार इधर से जाएंगे ऊपर। ये रास्ते में पत्थरों पे लोग नमाज पढ़ रहे हैं। जाएंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा रहेंगे। ये देखे इधर से निकलते हैं, उधर से जाते हैं, इधर से निकलते हैं, इधर जाएं। ये भाई गा रहे ही रहा, लेकिन अंदर लोग नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखे ये देखे भाई, बहुत सीना आया हुआ है, गर्मी बहुत है, बड़ी मुश्किल से ऊपर आ गए हैं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। और यहाँ पे दो नफल दुआ करेंगे, बाकी इंशाल्लाह बाद में आपसे बात करते हैं। आपको दिखा दिया हमने जा रही है। ये देखें भाई, बहुत ज्यादा रश है। ये देखें भाई, बड़ी मुश्किल से जो है ना दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आना बहुत मुश्किल है। इतना रश है भाई, इतना रश है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, लोगों को बहुत सारी तकलीफ हो रही है यहाँ पर। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि ये हमारी गारे हीरा पे ज़ियारत मुकम्मल हुई। आज हमने गारे हीरा की ज़ियारत की, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है, हमें ये नसीब हुई। वहाँ पे दो नवाफल अदा किए और वो जगह देखी जहाँ पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई थी, जहाँ पर वो नबूवत से पहले इबादत किया करते थे तन्हाई में बैठकर। ये जाती दफ़ा भाई एक दफ़ा फिर ये नज़ारा देख लें। जो भी यहाँ पर आए बराए मेहरबानी हमारे लिए और हमारे वालदैन के लिए दुआ लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब को मदीना और मक्का की हाजिरी नसीब फरमाए, बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन।